नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। और भारतीय अर्थव्यवस्था में आज बात करेंगे हम SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विशेष आहरण अधिकार। नॉर्मली आप न्यूज़पेपर में इसे SDR नाम से ही देखते होंगे। हम आपको बताएंगे क्या है SDR, क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था विदेशी मुद्रा भंडार, हमने बताया था किन चार तत्वों से मिलकर बनती है विदेशी मुद्रा भंडार। हमने बताया था आपको, पहला तत्व विदेशी बॉन्ड शेयर डिबेंचर, दूसरा तत्व स्वर्ण भंडार, किसी देश के पास कितना स्वर्ण भंडार है, तीसरा तत्व रिजर्व ट्रंस और चौथा तत्व SDR था। तो हमने आपको रिजर्व ट्रंस के बारे में बता चुके हैं। हमने बताया था वो मुद्रा जो भी देश IMF का सदस्य है उसके पास जमा करा देता है, और वो मुद्रा वो आपातकाल स्थिति में यूज करता है उसे हम कहते हैं रिजर्व ट्रंज, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है। उसके बाद है SDR, हमने बताया था आपको, हम आपको बताएंगे SDR के बारे में। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको इकोनॉमिक्स में करा चुके हैं रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। इसके अलावा हमने आपको बताया रिजर्व ट्रंज, विदेशी मुद्रा भंडार बताया किसे कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, और किन तत्वों से मिलके बनती है विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि हमारे वीडियो लिस्ट आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे SDR की। SDR एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो IMF के पास होती है। हम आपको बता दें विशेष आहरण अधिकार, यानी हिंदी में नाम तो आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन हमने इसको टाइपिस्ट टाइप करवा दिया वैसे ही। विशेष आहरण अधिकार यानी SDR को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा 1969 में अपने सदस्यों देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। हम आपको बता दें IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती करता है, जिसका मुख्यालय Washington DC है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे हमारे स्पेशल सेशन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। आप थोड़ा वेट कीजिए, अब आपके लिए इतना ही जानना है कि IMF है क्या। आगे SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। SDR नहीं तो कोई मुद्रा है, न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। हम बता दें जो वन डे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो स्टेट PCS तो नहीं कह सकते हम, जो स्टेट के जो अदर और एग्जाम होते हैं जैसे हरियाणा का HSSC हो गया, उसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि IMF की करेंसी क्या है, तो उसमें SDR होता है, तो वो वहाँ करेक्ट आंसर है SDR। वैसे SDR ने तो कोई मुद्रा है IMF की, नहीं IMF इस पर कोई दावा कर सकता। आगे SDR का जो मूल्य वो निर्धारित होता है बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं से। एग्जाम में ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है कि SDR का जो मूल्य जिन करेंसियों से निर्धारित होता है वो करेंसी किस किस देश की है। हम आपको बताते हैं SDR का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रेनमिनी, जापान की येन और ब्रिटेन की पाउंड। इन सभी मुद्राओं के आधार औसत भार के आधार पर SDR का मूल्य निर्धारित होता है। SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। वन डे एग्जाम में तो ये SDR की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, SDR मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हमने आपको बताया किन 5 देशों की मुद्राओं पे से किन 5 देशों की मुद्राओं के औसत भार से SDR का मूल्य निर्धारित होता है, वो है डॉलर, यूरो, रेमनी जो कि चीन की करेंसी है, येन जापान की, और पाउंड ब्रिटेन की। ये करेंसी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना इसको कि किन देशों की करेंसी से SDR का मूल्य निर्धारित होता है। हमने आपको बताया क्या है SDR, साथ ही बताया हमने आपको किस तरह से SDR का मूल्य निर्धारित होता है। हमारे आज के सेशन में इतना ही, जल्द मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और जो भी आपको समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमारी टीम के नंबर भी मिल जाएंगे आपको कमेंट बॉक्स में। हमारे आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।